न्यूज़ क्लिक पे आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे उर्मिलेश से और इस बात पे चर्चा करना चाहेंगे कि कासगंज में जो हमले हुए हैं, दंगे हुए हैं, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ख़ास तौर से एक मिक्स्ड ग्रुप थी, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, जो रिपब्लिक में अपना झंडा फहराने के लिए वहाँ पर उपस्थित थे। इस पे तिरंगा यात्रा के नाम में लोग आए, उसके बाद वहाँ पर क्लैशेस हुए, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए प्रवीर, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में, खासकर जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पे काफ़ी वर्षों से ये लोग जो संघ परिवार के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अलग अलग ढंग से, अलग अलग मुंह से, अलग अलग सुर में वो काम करते रहे हैं। जो मेरी जानकारी कासगंज से है, क्योंकि अखबार के लोग, टेलीविज़न के लोग जिनसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ के लोकल लोगों से भी मेरी इस पर बात हुई है, कासगंज में काफ़ी दिन से ये चल रहा था कि किसी न किसी तरह से हम कुछ करें। और इसका सबूत सबसे बड़ा है ये उन्हीं लोगों ने दिया है। संकल्प नाम का एक उनका ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जिसमें काम करने वाले लोग, जिसमें वो लड़का भी था जो दुर्भाग्यवश उस दिन मारा गया, वो किसकी गोली से मारा गया अभी तक साफ नहीं है, लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था वो लड़का चंदन, और जिसका ऑफिशियल नाम अभिषेक है, और दूसरा जो काम करते थे सज्जन उसी ग्रुप में, जो उनसे ज़्यादा बड़े पदाधिकारी थे उस ग्रुप के, उन्होंने कई दिन पहले एसएसपी को, डीएम को, सीएम को, होम मिनिस्टर को, सबको उन्होंने ये किया कि यहाँ कुछ हिंदू मुसलमान होने वाला है। अब उन्होंने क्यों किया ये तो वो जाने, क्योंकि उनकी मैंने स्वयं देखी है उनके सोशल साइट्स, सोशल मीडिया पर जो उनके उनकी बातचीत है वो कम्युनल टोन से भरी हुई है, वो भी उसी तरह के विचार से हैं जो, लेकिन उन्होंने क्यों पूर्व सूचना दी थी प्रशासन को कि ऐसा होने वाला है ये मैं नहीं समझ पाया। तो ये 20 तारीख 21-22 के बीच की बात है, 26 तारीख को ये घटना होती है, और पहले भी खुराफातें वहाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुई हैं। बाबरी मस्जिद जब विध्वंस की गई थी उसके बाद भी वहाँ तनाव था, लेकिन हाल के दिनों में तनाव नहीं रहा है। तो ये आई थिंक निशाने पर था कासगंज ये इलाका, और वहाँ जो सक्रिय कुछ लोग हैं, ये सोशल मीडिया पर जो एक्टिव लोगों का एक जमावड़ा है, जो देश के प्रधान और देश के बड़े नेताओं का फैन है, उनको ये लगता है कि अगर हम इस तरह की काम करेंगे तो हम नज़र पे आ जाएंगे, हमें टिकट मिल सकता है, हमें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ये कुछ महत्वाकांक्षाएँ भी रही होंगी, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सांप्रदायिक जो या इस तरह की जो कम्युनल फासिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी आपस अंदर में कंपटीशन है कि भाई कौन कैसे क्या करे। तो ये जो 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 लोग वहाँ पहुँचे, इसके पहले जानकारी चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी को मिल चुकी थी, तो उन्होंने काट के लिए, मैं तो इसको काट ही कहूँगा कि भाई हम तो कुछ नहीं करते हैं तब भी हमें बदनाम किया जाता है, हमें गलत बातें कही जाती हैं हमारे बारे में, उन्होंने कहा कि इस बार अगर ये हमारे खिलाफ़ कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि धमकी बार बार मिल रही थी उन लोगों को और खासकर युवाओं को जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ ये कर रहे हैं अगर तिरंगा यात्रा वगैरह तो हम भी 26 जनवरी मनाएंगे। और इसके लिए उन्होंने अपने आसपास के लोगों में, खासकर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के कुछ एक लोग थे उस इलाके में, प्राइमरली ये माइनॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन उसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी कुछ लोग थे उनको भी इन्वॉल्व किया था, और चटाई बिछाया, कालीन बिछाया, दरी बिछाया, और वहाँ कुर्सियाँ लगाई गई, और फिर ये लोग मोटरसाइकिलों से वहाँ गए। तिरंगा कम थे, भगवा ज़्यादा थे, ये वीडियो से भी साफ होता है। तो अब ये तिरंगा यात्रा क्यों 26 जनवरी को आप निकाल रहे हैं, जब पूरा देश तिरंगा को और गणतंत्र को मना रहा है, आप आखिर इस तरह से भगवा के आवरण में तिरंगा क्यों ले जा रहे, ये भी एक वो। और वहाँ जाकर इन्होंने उपद्रव मचाना शुरू किया, और उस उपद्रव में लोगों ने साफ कहा कि भाई हम तो ऑलरेडी यहाँ पे मना रहे हैं, आप लोग दूसरी तरफ से जाइए, लेकिन ये जानबूझकर उसी मोहल्ले में जाना, आपके पास कासगंज के बहुत सारे इलाके थे जहाँ आप जाकर गणतंत्र के बारे में बता सकते थे, और नहीं तो प्रधानमंत्री की योजनाओं का प्रचार कर सकते थे अगर आप उस पार्टी के समर्थक, दूसरे सड़क से भी जा एग्जैक्टली लेकिन उसी मोहल्ले। अच्छा, वहाँ अब्दुल हमीद चौक जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई में जो उस समय टैंक थे, पैटर्न टैंक, उसको तोड़ने वाला जो भारत का जाबाज
सैनिक था, उसकी याद में वो चौक का नाम है, वहाँ जब वो खुराफात वो करते रहे, फिर दूसरी जगह भी गए, एक और जगह जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो दो दो लोकेलिटी में और चुन करके जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वहीं वो गए। इसीलिए मुझे लगता है कि बरेली के डीएम का वो सवाल बहुत जायज़ है जब उन्होंने कहा कि आर विक्रम सिंह नाम है, कि भाई ये अगर कुछ लोग चुन चुन करके अगर ऐसे ही इलाकों में जाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तानी तुम हो, कहते हैं कि तुम अपनी देशभक्ति साबित करो, तो फिर तो इस देश का बंटाधार होना ही है कुल। बट इस पे देखिए आप कि इस घटना स्थल जो है वो अब्दुल हामिद चौक जिसके आपने जिक्र किया, नाम उसका मुसलमान जो कि 65 में पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में उसको परमवीर चक्र मिला था, उसका देहांत भी हो गया था उस जंग के दौरान। तो ये मुसलमान होने के नाते आप देशभक्ति भी अगर दिखाएं, उस पर जान की कुर्बानी भी करें, तो भी आप इसमें देशभक्त नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा गोलवालकर ने उस वक्त इसका विरोध किया था। कीलर ब्रदर्स जो कि एक बाद में एयर मार्शल बने थे, जो कि पायलट्स थे, दो भाई पायलट्स क्रिश्चियन कम्युनिटी में पैदा हुए थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी में पैदा हुए थे, और अब्दुल हामिद जो मुसलमान थे, दोनों का इस अवार्ड का विरोध गोलवालकर साहब ने उस वक्त किया। अरे यहाँ पर हम देखते हैं घटनास्थल पे, क्योंकि मुसलमान हिंदू मिलके तिरंगा को सलाम करने के लिए पहुँचे हुए थे, उसके लिए भी तिरंगा यात्रा के नाम से उसमें हमला होते हैं। तो क्या लगता है आपको कि देशभक्ति मुसलमान दिखाए न दिखाए परिणाम अलग नहीं हो रहा है? बिल्कुल, और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों के दिमाग में मैं समझता हूँ कि सबसे जो निशाने पर है वो इस देश का गणतंत्र है, इस देश का जनतंत्र है। ये खोज खोज के ये सारे वो काम कर रहे हैं जिससे कि जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं और जो जिस तरह से हमारी हमारे समाज में एक ताना बाना आज़ादी की लड़ाई के समय से ही जो खड़ा किया गया, तो उसको क्रमशः ये तोड़ रहे हैं। ये अपने ढंग का भारत बनाना चाहते हैं, और जाहिर है वो आज का भारत नहीं हो सकता, क्योंकि कमोबेश हम ठीक है, हम हमारी ग्रीवांसेज हो सकती हैं भारत से कि ये कमजोरी है हमारे देश में, ये हमारे शासन में कमजोरी है, लेकिन जो कुछ बचा हुआ है बेहतर, आई थिंक उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं और बिल्कुल एक ख़ास ढंग का समाज बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ इनकी चले। और देखिए सबसे बड़ा खतरा ये है जो मैं समझता हूँ कि अभी हाल के दिनों में जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मारे गए, चाहे वो लव जिहाद के नाम पर, चाहे वो गो रक्षा के नाम पर, इन सभी केसेस में आप एक खास पैटर्न पाएंगे कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस हो या दूसरी और एजेंसीज हों, वो कुछ न कुछ मारे गए लोगों में नुक्स या कमी निकाल रहे। पहलू खां जो मारे गए थे, पहलू खां को सरेआम सड़क पर मार डाला गया, और पहलू खां के बारे में अब मैं दो दिन पहले अभी खबर पढ़ा कि वहां की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये कहा है कि वो लोग गौ तस्कर थे, गाय के तस्कर थे। यानी उनकी हत्या पर जो जांच पड़ताल आगे बढ़नी चाहिए, जो गोरक्षक जो गुंडा गिरोह है उस पर जो बैन होना चाहिए, उसकी जो गतिविधियों को ख़त्म करना चाहिए, उस पर पड़ताल एजेंसी जो है काम नहीं कर रही हैं, बल्कि ये बता रही हैं कि चूंकि वो गौ तस्कर थे, अगर मैंने वो ये साबित करना चाहती हैं इसलिए मारे गए, तो ये एक बड़ा खतरनाक पहलू। अब तस्करी देखे, जबकि उन्होंने पर्चा से और प्रशासन का पर्चा था, प्रशासन का पर्चा था, हमने खरीदा और है। दादरी में भी आप देखिए, दादरी में जो मारा गया आदमी है उनके बारे में कहा अखलाक कि ये इसलिए मारे गए। ये भी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत दिलचस्प बात बताऊं कि उन्होंने कहा कि भाई वो तो एक मांस का टुकड़ा मिला था उनके घर से, और वो बीफ है या नहीं है इसकी जांच पड़ताल हम करेंगे। बाद के दिनों में जब जांच हुई तो कहा वो बीफ नहीं है। एक दूसरा वर्जन आया नई सरकार आने के बाद कि नहीं साहब वो तो बीफ था, और कहाँ से, तो वो खंभे के पास पाया गया था उनके घर के सामने। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें खोजी जा रही हैं। इसी तरह से इस मामले में भी आप देखेंगे कासगंज में खोजा जा रहा है अब कि जो चंदन नाम का लड़का जिसका पूरा ऑफिशियल नाम अभिषेक था, कि जिस गोली से मारा गया था वो एक पिस्तौल की गोली थी, उस पिस्तौल को इन लोगों ने बरामद किया, और पता चला कि वो खिलौना पिस्तौल है, वो बच्चों का खिलौना वाली, उससे गोली निकलना थोड़ा दिक्कत की बात है। अच्छा, मैं इस पर अब राजस्थान के बात कह रहे थे, क्योंकि अलवर में वो घटना हुई थी पहलू खान का, और वो जो रहने वाले भी अलवर वहाँ पर हैं। मैं आपको पूछना चाहता था, राजस्थान में जो चुनाव के परिणाम आए बाई इलेक्शन के,
उससे क्या लगता है कि इस गौ राजनीति का, गो राज के नाम पर जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं बहुतों पे, एक तो फार्मर्स पे अटैक है, दूसरा अटैक आपका मुसलमानों पे है, तो दोनों मिला के एक आक्रोश पैदा हो रहा है इस पे कि इस पे तो हमारा दूध बेचना, दूध का कारोबार पूरा बंटाधार हो रहा है, और दूसरी तरफ जो मुसलमानों पर अटैक हो रहा है जिस तरह से चुन चुन के आप कह रहे थे हो रहा है, उसका भी एक विरोधाभास दिखने को मिलता है क्या राजस्थान के बाय इलेक्शन से? आई थिंक आप बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जिस आपके सवाल में जो पहलू है वो पहलू बहुत महत्वपूर्ण आपने उठाया है कि देखिए ये पूरी की पूरी बेल्ट जो है अगर देखा जाए तो इसमें डोमिनेट करते हैं किसानी करने वाले लोग, जो खेतिहर लोग हैं, वो ओबीसी के लोग हो सकते हैं, वो अपर कास्ट के लोग हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरली जो अलवर का इलाका है और इवन अजमेर का, वो ओबीसी डोमिनेटेड किसानों का इलाका है। अब देखिए संजोग बस अलवर में दोनों उम्मीदवार यादव कम्युनिटी के थे और खेतिहर समाज है यादव वहाँ का, जो पशुधन पर ज़्यादा जोर देता रहा है, लोग कहते ही रहे कि ग्वाला मतलब जो दूध का कारोबार करता हो, और ये अगर सेंटिमेंट, अगर ये भावना, ये विचार अगर भारी पैमाने पर लोगों में न होता कि साहब ये जो गोरक्षक दल है, ये गुंडा गिरोह, ये हमारे कारोबार पर, हमारे पशु पर, हमारे पशुपालक पर अटैक कर रहा है, उनके खिलाफ ही पूरा का पूरा षड्यंत्र कर रहा है, और इसमें जो जो खुराफात कराने वाले लोग हैं उनका इस खेतिहर समाज से कोई रिश्ता नहीं है, है? तो इतना बड़ा आक्रोश नहीं होता, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट जो थे वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, पहले सांसद भी रह चुके हैं और बहुत लोकप्रिय अपने ज़माने के डॉक्टर रहे हैं। अब सवाल यह है कि उनको भी हराना उसी कम्युनिटी के एक दूसरे कम महत्वपूर्ण माने जाने वाले व्यक्ति का, ये बताता है कि आम जनता का ज़बरदस्त रिएक्शन था। ये कांग्रेस की जीत नहीं है दरअसल, ये बीजेपी और आसपास के जो उसके घिरे हुए संगठन हैं संघ परिवार के, 23-24 संगठन माने जाते हैं, ये जितने इस तरह के बजरंग दल, ये हिंदू जागरण मंच या गोरक्षक दल, ये सबके खिलाफ जो खेतिहर समाज में गुस्सा इकट्ठा हो रहा था, आई थिंक कांग्रेस ने बस एक विकल्प दे दिया, क्योंकि कांग्रेस वहाँ की बड़ी पार्टी है और राजस्थान में दो ही प्रमुख पार्टियाँ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये देखिए तीन इलेक्शन हुए, दो लोकसभा के, एक बाई इलेक्शन विधानसभा का, और तीनों सीट बीजेपी इस कदर हारी है, बुरी तरह हारी है, तो इस बहुत बड़ा स्विंग देखने को, इतना बड़ा स्विंग है अलवर में तो कमाल का है, अलवर में तो इतना बड़ा जो कांग्रेस ने स्वयं एक्सपेक्ट नहीं किया था, अजमेर में स्वयं माना जाता था कि थोड़ी प्रॉब्लम है कांग्रेस के सामने, क्योंकि वहाँ कांग्रेस में आपस में झगड़े थे, लोग कहते थे कि कई खेमे जो कांग्रेस में वहाँ बन गए हैं, उसी तरह से बाई इलेक्शन जो विधानसभा का था उसमें जोशी जी का जो सीपी जोशी का जो गुट है कांग्रेस के अंदर, और अशोक गहलोत का और ये सचिन पायलट का, ये तीनों गुट आपस में ऐसा लगता था कि तालमेल नहीं है, फिर भी वहाँ 12,000 के आसपास मार्जिन है, बल्कि मोर देन दैट। तो ये बताता है कि जो इनका सोच था कि हम इसके ज़रिए हिंदुओं को पोलराइज कर देंगे, अब किसान इनके खिलाफ पोलराइज हो रहा है, इनके खिलाफ आम आदमी पोलराइज हो रहा है, इनको ये लग रहा है कि इनका जो ध्रुवीकरण है वो एक ख़तरनाक ध्रुवीकरण है, और इनकी जो गोलबंदी है वो पूरे समाज को तहस नहस कर रही है, हत्या की राजनीति कर रही है और डिस्ट्रक्शन है हर चीज़ का। जो अचीव किया है अब तक हमने, हमारे मुल्क ने, प्लस लोगों ने जो हासिल किया है, सबको नेस्तनाबूत कर देंगे ये लोग। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है हिंदी हार्टलैंड में, क्योंकि हम साउथ में तो देख रहे हैं कि इनका कहीं दाल नहीं गल रही है, और कहीं जहाँ जहाँ ये कोशिश करते हैं, तमिलनाडु के बाई इलेक्शन में देख लीजिए, इनकी जमानत ही नहीं जब्त हुई, बल्कि ये इतने कम वोट पाए हैं कि उसको उसकी शिनाख्त करना भी मुश्किल है कि कितने हो। लेकिन हमारा कहना है कि नॉर्थ में जहाँ इनको था कि प्रबल उम्मीद थी कि हम कर लेंगे, वहाँ भी ये शिकस्त खा रहे हैं। असल बात यही है कि जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, या कम से कम जो सेकुलर एंटी जो कम्युनल फोर्सेज हैं, उनके बीच अगर एक व्यापक गोलबंदी हो सकती है तो मैं समझता हूँ कि एक वायबल अल्टरनेटिव इमर्ज कर सकता है। व्यापक गोलबंदी भी ना हो, कम से कम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ अगर लोगों को कहा जाए तो उस ध्रुवीकरण, बीजेपी के खिलाफ की ध्रुवीकरण में बीजेपी हार सकती है। अलवर ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि एक खास अहमियत रखती है, क्योंकि पहलू खान की घटना वहाँ पर हुई, बीच सड़क में हुई है, और उसके बाद भी अगर लोगों में कोई रिएक्शन नहीं होता
तो एक गलत हमारे समाज के बारे में गलत सवाल खड़ा होता है। उर्मिलेश धन्यवाद आपका न्यूज़ क्लिक में आने के लिए, और भविष्य में भी हम उर्मिलेश जी से बात करते रहेंगे इस इन इन सवालों को लेकर और भी दूसरे सवालों के साथ।